Hello friend, welcome to my channel Rubina Vlogs. आज है मंडे, डेट है 24 जून. आज से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी. मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं किसी के यूट्यूब पे मैं देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. इस मतलब मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी को बहुत शौक़ है. मम्मा आप भी यूट्यूब पे चैनल बनाओ ना, डाल दो ना, वो हमेशा मतलब कहती रहती थी. उसको कुकिंग करने का बहुत शौक़ है. वो अपने जब मतलब किचन में जाती थी तो मोबाइल अपना रख के और मतलब बोलती रहती थी कि मम्मा देखो हम ऐसे बोल रहे हैं, आप भी बना कैसे डालिए ना. उनको कुकिंग इतना शौक़ है, वो रोज़ एक से एक बनाती रहती हैं. सुबह में कुछ बनेगा, शाम में कुछ बनेगा, वो हमेशा मुझसे कहती रहती थी मम्मा आप भी डाल दीजिए यूट्यूब पे. मैं भी देखती थी, जितनी भी यूट्यूब पे लोग आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. कई लोगों को मैं देखती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं भी डाल देती हूँ. सबसे मैंने जब पूछा घर पे, मेरे बेटे ने कहा मम्मी हाँ डाल दीजिए, और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कोई बात नहीं, जब आपको शौक है तो आप डालिए. तो इसलिए मैं अपनी बेटी को ज़्यादा इसमें कहूँगी कि वो उसको बहुत शौक़ है डालने का. इसलिए मैं आज से ब्लॉग अपना स्टार्ट करूँगी. अगर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी या बोलने में या कुछ भी कोई अगर बात हो जाती है मुझसे, गलती हो जाती है तो आप उससे माफ़ करिएगा. आज मेरा पहला ब्लॉग है इसलिए मुझे बहुत मतलब घबराहट हो रही है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग डालूँगी. फैमिली में बहुत मतलब अच्छे लोग, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे हैं. मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे हैं, और मेरा बेटा भी बहुत अच्छे. मम्मी हाँ आप डाल दीजिए, आप अच्छा लगेगा, आपको शौक़ है अगर तो. मतलब कोई ऐसा नहीं था, बस सिर्फ शौक से. मैं किसी को भी देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था तो मैंने कहा कि मैं चलो डालती हूँ. फिर अगर मैं डालती हूँ मतलब अपना ब्लॉग बना के डालूँगी तो कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा. और मेरे मतलब चैनल को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा. और मैं ब्लॉग में सब आपको डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, सुबह थोड़ा मैं मुझे बहुत जल्दी रहती है तो शायद मैं सुबह का ब्रेकफास्ट ना कर सकूँ, बना सकूँ, लेकिन लंच है, डिनर है, बना दूँगी. मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ खाना ही बनाना होता है तो इसलिए मेरे पास हेल्पर है, वो सारे काम कर लेती है, जो झाड़ू पोछा वगैरह सब काम कर लेती है और मुझे सिर्फ खाना बनाना होता है. तो मैं खाना जब बनाऊंगी तो आपसे मिलूंगी, मैं बताऊंगी क्या क्या मैं बना सकती हूँ. मैं आपको दिखाऊंगी शाम के डिनर का. और अभी शाम कई माफिस गए हैं, वो सुबह में आज मैंने उनको ब्रेकफास्ट बना के दे दिया. आप वो शाम में आएंगे, कुछ नाश्ता वगैरह बनना होगा, मैं बनाऊंगी. ठीक है, मैं जब भी जा रही हूँ नहाने, उसके बाद से मैं जब कुछ बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूँगी.